Good morning students. Today is a class. In this video, I explanation of राग structure. राग structure किसी भी राग को learn करने से पहले हमें जो points पता होना जरूरी है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी. First, राग राग क्या होता है? वह स्वरों और वर्णों का समूह जो कि ध्वनि जो कि हमें सुनने में मन को बहुत आनंदित हो उसे बोलते हैं राग. ठीक है, अब उसके लिए 10 पॉइंट्स हम बताते हैं. मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे आपको क्लियर हो कि राग में क्या क्या जरूरी है. फर्स्ट, राग का नाम. आपको राग का नाम पता होना चाहिए कि आप कौन सा गा रहे हो, कौन से वो किस टाइम पर गाया जाता है, कैसे गाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है थाट. थाट थाट क्या होता है? थाट राग का पिता माना गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी थाटों से ही रागों की उत्पत्ति होती है. 72 थाट थे जिनमें से पंडित वेंकट मुखर्जी ने 10 थाटों की रचना की है. वह 10 थाट है हमारे फर्स्ट कल्याण थाट, सेकेंड भैरवी थाट, बिलावल थाट, खमास थाट, काफी थाट, भैरव थाट, मारवा थाट, पूर्वी थाट, असावरी थाट, भैरवी थाट, तोरी थाट. ठीक है, ये 10 है. अब इन 10 को डिवाइड कैसे किया गया? 10 को डिवाइड कैसे किया गया? देखिए, डिवाइड में किसी ने एक स्वर चेंज किया गया, किसी ने कोई भी नहीं किया गया, किसी में 2 स्वर, किसी में 3 स्वर और किसी में 4 स्वर चेंज किए गए. ठीक है, इस टाइप से हमें चेंज करके 10 थाटों को इनको डिवाइड किया गया. कैसे? जैसे किसी में तो एक भी स्वर चेंज नहीं किया, तो ऐसे कौन सा राग है? देखिए, बिलावल थाट, इसमें एक भी स्वर चेंज नहीं किया. बिलावल थाट में हम कोई भी 7 स्वर में से एक भी स्वर को चेंज नहीं करते. नेक्स्ट है कल्याण थाट. कल्याण थाट में एक स्वर चेंज है, उसमें एक स्वर चेंज करने से उसका हमें पता चलता है कि ये बिलावल थाट है. नेक्स्ट खमास थाट, उसमें भी एक स्वर चेंज है. भैरव थाट, काफी थाट और मारवा थाट, इनमें 2-2 स्वर चेंज है. नेक्स्ट आता है पूर्वी थाट और असावरी थाट, इनमें 3-3 स्वर चेंज है. और चौथा आता है हमारे पास भैरवी और तोड़ी थाट, इनमें हमारे 4-4 स्वर चेंज है. क्लियर? तो इस तरह से जो हमारे 10 थाट थे उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग, तो जिससे हमें पता चल जाए कि ये कौन सा थाट है. तो हमें जब किसी राग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका थाट पता होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है राग की जाति. देखिए, राग की जाति कैसे होती है, किसे कहते हैं राग की जाति? राग में ऑडव ओडव है, ऑडव शाडव है, ऑडव संपूर्ण है, ये कौन सी जाति का राग? वो कैसे आप डिसाइड करते हैं? देखिए, आरोह में, मैं आपको क्लियर करती हूँ, आरोह में और अवरोह में जितने स्वर होते हैं, आरोह अवरोह में जितने स्वर होते हैं उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि राग की जाति क्या है. अगर आरोह में 5 स्वर है, ठीक है, और अवरोह में 7 स्वर है, तो हमारी इसकी जाति क्या होगी? ऑडव संपूर्ण. ठीक है, 5 स्वर वाले को बोलते हैं ऑडव और 6 पे बोलते हैं शाडव और 7 स्वर पे बोलते हैं संपूर्ण. ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ, जब हमारे आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं तो हम कौन सी जाति कहेंगे? ऑडव शाडव. अगर आरोह में 5 हैं और अवरोह में 7 हैं तो ऑडव संपूर्ण है. अगर अब आरोह में 6 हैं और अवरोह में 7 हैं तो हम बोलेंगे शाडव संपूर्ण. अगर आरोह में भी 7 हैं, अवरोह में भी 7 हैं तो हम बोलेंगे संपूर्ण संपूर्ण. तो इस बेस पर हमारा डिसाइड होता है आरोह अवरोह के बेस पर कि राग की जाति कौन सी है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी वादी और संवादी. वादी संवादी क्या होता है? देखिए, वादी संवादी स्वर होते हैं, स्वरों को बोलते हैं वादी संवादी. जिस राग में जो सबसे ज्यादा स्वर यूज होता है उसको बोलते हैं वादी स्वर, और जो सेकंड यूज होता है यानी जो वादी से थोड़ा कम और बाकी सभी स्वरों से ज्यादा यूज होता है उसको बोलते हैं संवादी स्वर. क्लियर? तो वादी को राजा की उपाधि दी जाती है राग की, और संवादी को मंत्री की उपाधि. तो
तो राग में जो स्वर सबसे ज्यादा यूज हो उसे बोलते हैं वर्ण स्वर। नेक्स्ट आता है अंग। देखिए अंग पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी दो अंग है, पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। वादी संवादी है हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाले और अंग है पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। उत्तरांगवादी पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी ये हमारे जो होते हैं, इनमें क्या है कि जो पहले चार स्वर हैं, देखिए हमारे टोटल सात स्वर होते हैं। पूर्वांग में कौन से आते हैं, सा रे ग और म, जहां पे ये चार स्वर यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम पूर्वांगवादी। अब उत्तरांगवादी सा रे ग म, अब नेक्स्ट कौन सा है क ध और नी। देखिए अब इसमें तो रहेंगे तीन ही स्वर लेकिन हमें कुल डिवाइड करना था तो हमने इसमें लिया सा। तो जहां पर ये चार स्वर होते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तरांगवादी। क्लियर, पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। यदि अगर हमारा स्वर राग में वादी स्वर पूर्वांग में से है तो हमारा राग पूर्वांगवादी होगा, अगर हमारा वादी स्वर उत्तरांग में से है लास्ट वाले स्वर में से है तो हमारा उत्तरांगवादी राग होगा। क्लियर हो गया, ये थे इसके अंग जिसके अकॉर्डिंग टू हमारी वादी संवादी के अकॉर्डिंग अंग क्लियर होता है कि वह कौन सी पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है राग का गायन। देखिए हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों को दो समय टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लिया गया दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक और एक लिया गया रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। ठीक है, तो जब और फिर इनको तीन तीन घंटे के 8 पहर में डिवाइड किया गया, यानी 4 पहर आए जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक में और 4 पहर आए जो रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक में। तो जब हमारा जो गायन वादी स्वर है वो कौन से उसमें आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि उसका गायन पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी, उसके बेस पर हमारा डिसाइड होता है गायन समय कि इस राग का गायन समय क्या है। नेक्स्ट आता है विकृत स्वर। विकृत स्वर जो स्वर अपने स्थान से हटकर यानी जहां उसका फिक्स है वहां से हटाकर दूसरे स्वर पर बजाया जाए उसको बोलते हैं उसका विकृत स्वर। क्लियर, आरोह अवरोह। देखिए जब हमें पता हमने बात की थी थाट, थाट में हमने जब हमें राग का थाट पता होगा तो हमें पता होगा उसकी की जाति क्या है, उसमें आरोह अवरोह में कौन सा स्वर वर्जित है, कौन सा संवादीवादी है, तो उसके बेस पर इसकी आरोह अवरोह भी निश्चित होती है। क्लियर, नेक्स्ट आता है राग की पकड़। पकड़ का मीन्स है जैसे आपको नेम से ही एक इंडिकेट मिल रहा है, पकड़ पकड़ लिया जाता है। आरोह अवरोह में एक स्वरों को निश्चित कर एक सुंदरता बढ़ाई जाती है जो स्वरों से राग की, वो है पकड़। राग की विशेषता, देखिए विशेषता क्या है कि ये कौन सी प्रकृति का राग है, चंचल प्रकृति का राग है या इसमें इसे मिलता जुलता राग कौन सा है, किसी राग की कोई अपनी स्पेशलिटी है तो उसको बोलते हैं राग की विशेषता। क्लियर, आई रिपीट अगेन। देखिए अब मैं इसके नाम को मेन मेन पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है सारा राग का नाम आपको पता होना चाहिए, फिर है थाट जिसको कि राग का पिता कहा गया है, नेक्स्ट है राग की जाति, जाति हमारी डिसाइड होती है उसकी आरोह अवरोह पर कि कितने आरोह में स्वर है कितने अवरोह में, जितने स्वर होते हैं तो 5 पे औडव 6 पे षाडव और 7 पे संपूर्ण, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जाति डिसाइड करते हैं कि औडव षाडव है औडव संपूर्ण है या षाडव संपूर्ण है या षाडव षाडव है। क्लियर, वादी संवादी जो स्वर सबसे ज्यादा यूज होता है वादी और जो सबसे उसे उससे कम और बाकी स्वरों से ज्यादा हो उसे संवादी। राजा वादी स्वर को राग के राजा की उपाधि और संवादी को मंत्री की और थाट को पिता की। क्लियर, अंग पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी, जो पहले चार स्वर में से अगर हमारा वादी स्वर है तो पूर्वांगवादी, अगर बाद के चार में से है तो उत्तरांगवादी। नेक्स्ट है राग का गायन समय कि हमारा रात्रि का पहला पहर है जी रात्रि का। देखिए अब पहला पहर दूसरा पहर भी आता है गायन समय में, वो कैसे डिसाइड करते हैं, जब राग का दिन के 12 बजे से 12 बजे से 3 बजे तक जैसे अपने टाइम लिया तो उसमें जो आएगा तो वो बोलेंगे दिन का प्रथम पहर है, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स को बोलेंगे हम दिन का दूसरा पहर, फिर नेक्स्ट को दिन का तीसरा पहर। इस सेक्शन को
डिसाइड किया गया। विकृत स्वर, जो स्वर अपने स्थान से हटकर बजाया जाए उसको क्या बोलते हैं? विकृत स्वर। आरोह अवरोह, जो स्वरों की संख्या निश्चित करके की जाती है उसे बोलते हैं आरोह अवरोह। राग की पकड़, जो कि हमारी सुंदरता बढ़ाता है राग की। राग की विशेषता, हर राग की अपनी एक स्पेशलिटी होती है कि वह कौन सी प्रकृति का राग है या इससे मिलता जुलता राग कौन सा है या इसमें कुछ ऊपर उतार चढ़ाव है या किसी टाइप से मेन पॉइंट्स जो भी होंगे उसके, वो आपके इसके राग की विशेषता। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ राग स्ट्रक्चर। यानी आपको जो राग की कोई भी बात करते हैं तो आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप किसी भी राग को जब कोई दूसरा भी गा रहा है तो आप पहचान पाएंगे कि वह राग कौन सा है। तो आज आपको मेन यही याद करना है कि मेन मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं और इनको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आई होप सो क्लियर नाउ। थैंक यू।